कबीरधाम जिले का जनपद पंचायत कार्यालय भवन इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जान हथेली पर रखकर कर्मचारी यहां काम करने मजबूर है। बताया जा रहा है कि जनपद पंचायत कार्यालय पंडरिया का ये बिल्डिंग 2005 में बना है। निर्माण के कुछ साल बाद से ही भवन के कई कमरों में दरारें दिखने लगी थी, जो आज की स्थिति में काफी बढ़ गया है। भवन के छत का प्लास्टर भी गिर रहा है, कार्यालय का जमीन धस रहा है। गुजरते समय के साथ अब इतनी भयानक स्थिति में आ गई है कि आप वहां 2 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करेंगे। बावजूद मजबूरी वश आज भी ऐसी स्थिति में कार्यालय में कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बैठकर अपना कार्य संपादन करने के लिए मजबूर है। लगभग 3 साल से स्थिति इतनी जर्जर है। कई बार मैंने जिला पंचायत सीओ साहब, कलेक्टर साहब, सबको अवगत कराया। अभी वर्तमान में मैं जिला सीओ, जनपद सीओ और कलेक्टर साहब तीनों को फिर से लेटर देकर आया हूँ। यहाँ पे बैठा तो हूँ जरूर, लेकिन किसी भी समय जान मान के खतरा होने के मुझे डर लगता है। मैं डर में बैठता हूँ, दहशत में बैठता हूँ। और यहाँ पे बाथरूम भी टूट गया है, बाथरूम के लिए बड़ा शिकायत मतलब समस्या हो रही है। कहीं पे जाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और कई बार अवगत कराने के बाद भी रिपेयरिंग तो हुआ है लेकिन फॉर्मेलिटी होता है। जनपद पंचायत कार्यालय पंडरिया का ये बिल्डिंग 2005 में बना है। निर्माण के कुछ साल बाद से ही भवन के कई कमरों में दरारें दिखने लगी थी, जो आज की स्थिति में काफी बढ़ गया है। भवन के छत का प्लास्टर भी गिर रहा है, कार्यालय का जमीन धस रहा है। गुजरते समय के साथ अब इतनी भयानक स्थिति में आ गई है कि आप वहां 2 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करेंगे। बावजूद मजबूरी वश आज भी ऐसी स्थिति में कार्यालय में कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बैठकर अपना कार्य संपादन करने के लिए मजबूर है।